हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आज है देवसैनी एकादशी। आप सभी को देवसैनी यानी आषाढ़ी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अपने श्यामा श्याम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ दे। अभी मैं तो अपना स्नान करके और रसोई में आ गई थी, अपना लग गई थी कामों में, और श्यामा श्याम के लिए दूध बॉयल करने के लिए रखा था। तो अभी श्यामा श्याम का दूध बॉयल हुआ, तब तक मैंने जो भी मेरे जैसे बर्तन सेट करने हैं और भी जो मेरे छोटे मोटे काम होते हैं ना, उनको मैं समेट लेती हूँ। अब दूध तो बॉयल होगा अपने हिसाब से, और फिर उसके लिए वहीं पर खड़े रहो तो वो टाइम वेस्ट होता है, और सुबह सुबह इतना टाइम होता नहीं है। जो रसोई संभालते हैं उनको पता होता है कि कितने काम होते हैं। जब कोई खाना खाता है ना, तो उसे लगता है कि थाली में आ गया, लेकिन उसे थाली तक लाने के लिए एक औरत को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो भोजन प्रसाद थाली तक पहुंचता है। तो श्यामा श्याम का दूध बॉयल हो गया था, वो मैंने ले जाके पंखे के नीचे रख दिया, क्योंकि अभी मेरे ठाकुर ठाकुराइन सैन कर रहे हैं, उनके उठने का टाइम नहीं हुआ है। वो उठेंगे तब तक वो ठंडा हो जाएगा, और मैं अपना लग गई थी कामों में। आज एकादशी है, मेरा तो जैसे अभी उपवास है। श्यामा श्याम का दूध बॉयल किया, फिर विशाल के लिए किया, और फिर सासू माँ के लिए चाय बनेगी तो उनके लिए चाय बनाऊंगी, उनको चाय दे के आऊँगी। और ये सब काम निपटा के रसोई के और मैं बैठ गई सब्जी काटने के लिए, क्योंकि भाई उपवास मेरा है, मेरे श्यामा श्याम का नहीं, घर वालों का नहीं। तो इन सब के लिए जो है सब्जी रोटी बनाऊंगी। यहाँ पे मैं अपनी सब्जी लेके बैठ गई हूँ, छील लेती हूँ। और शुरुआत तो मैंने की थी कि चलो इवनिंग शाम तक का, यानी इवनिंग तक का जो भी मेरा रूटीन है वो शेयर करके, और नेक्स्ट डे मैं ये वीडियो शेयर करूँगी। लेकिन क्या हुआ कि बस एक दो क्लिप ही सवेरे निकली, और फिर उसके बाद मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, पैरों में काफ़ी दर्द शुरू हो गया और बुखार भी हो गया था। फिर मैंने आगे वीडियो नहीं बनाई। फिर अभी शाम का टाइम है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो सोचा कि चलो बस इतनी ही वीडियो के साथ मैं आप सबसे मिल लेती हूँ। फिर शाम के टाइम पे क्या होता है, जैसे ऊन का नया स्टॉक आया है उसकी वीडियो बनानी पड़ती हैं, और जो कस्टमर्स के मैसेज आते हैं उनको भी मतलब रिप्लाई करना होता है, किसी का सामान निकालना होता है तो वो निकाल के रखती हूँ, क्योंकि कुछ स्टॉक ऊपर पड़ा है, कुछ नीचे पड़ा है, कभी ऊपर से निकाल के आना है, कभी नीचे से निकाल के आना, ये भी ऊपर नीचे मेरे चक्कर लगते रहते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो इतना ही काफ़ी है, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई, छोटी सी है। कभी कभी पूरे दिन का भी हो जाता है, किसी किसी दिन बस एक दो घंटे का ही सवेरे का काम होता है, वही आप सबके साथ होता है। किसी किसी दिन ब्लॉग वीडियो बन ही नहीं पाती है, कारण बस यही होता है कि भाई अकेले ना बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, मैनेज ही नहीं हो पाता है। और पहले मैं क्या बताऊँ, मेरे शरीर में इतनी मतलब ऊर्जा थी ना कि मैं काम करते करते थकती ही नहीं थी, बट अब कुछ दिनों से मेरे को थकावट हो जाती है, जिस वजह से बस जैसे तैसे करके और अपना घर का काम निपटा देती हूँ। तो वो एनर्जी लेवल की बात होती है, एनर्जी लेवल जब कम होता है तो काम तो सारे फिर भी करने पड़ते हैं, लेकिन वो एक मतलब टाइम टेबल बना के करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं होता कि लगे रहो दिन भर। और अभी देखिए यहाँ पे ना थोड़ी सी जैसे धूप का जो है चमका लग रहा है, क्योंकि पर्दा थोड़ा सा हट गया है, और इधर से जैसे सूरज निकलती है, निकलती ही सूरज हमारे इस कमरे में घुस जाती है, बहुत धूप लगती है। दरवाजे वगैरह बंद करके रखने पड़ते हैं इस टाइम पे, नहीं तो पूरे कमरे में इतनी धूप हो जाएगी, जैसे ही सूरज निकलती है बड़ी गर्मी ही बन जाती कमरे में। और अभी सब्जी काट के फिर सब्जी में छौंक लगा दूँगी, और अभी जैसे सुबह के ये छोटे मोटे काम निपटाऊंगी, तब तक श्यामा श्याम के जगने का टाइम हो जाएगा। मेरे को ये होता है कि श्यामा श्याम के जागने से पहले जो काम मेरे से बन पाता वो मैं कर लेती हूँ, फिर मेरा एक घंटे का सवा घंटे का टाइम होता है मेरे श्यामा श्याम के साथ में, वो टाइम मैं फिर मतलब अपने लिए ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये इतना सा ही समय तो हमें मिलता है, उसके बाद तो फिर दिन भर घर के कामों में ही लगे रहते हैं। ये मेरे श्यामा श्याम के साथ मेरा समय जाता है जो मेरे लिए होता है।
तो वही आप सब मेरे श्यामा श्याम के दर्शन कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी भर लीजिए। आप कहीं पर भी रहते हो, श्यामा श्याम तो आपके हृदय में रहते हैं, बस मानने की ज़रूरत है। जब हम ये मानने लग जाते हैं ना कि श्यामा श्याम मेरे साथ हैं और मेरे हैं, तो वो सच में फिर आपके ही हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, आप सब खुश रहिए।